राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम होली। वाह भाई वाह, क्या मजेदार त्योहार है होली। हाँ, मजेदार तो है ही। इस दिन चारों ओर खुशी का माहौल जो होता है। अरे माहौल क्यों नहीं होगा, वो तो होगा ही। होली के दिन अबीर, गुलाल और रंग डालकर हम सभी तो वातावरण को रंगीन बनाते हैं। होली के अवसर पर प्रकृति भी वातावरण को खुशनुमा और रंगीन बनाती है। हैं? प्रकृति भी? वही वो कैसे? अरे भाई, ये तो सभी जानते हैं कि होली का त्योहार फरवरी या मार्च के महीने में होता है और ये ऐसा समय है जब ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी। इन्हीं दिनों फूल पूरी बहार के साथ खिले होते हैं। सर्दियों में जो वृक्ष बिना पत्तों के ठूठ की तरह हो जाते हैं ना, वो भी इसी मौसम में छोटे छोटे नए पत्तों से भर जाते हैं। भाई बात तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य तो देखने लायक होता है। हाँ, सो तो है ही। होली के आगमन तक फसलें भी पक जाती हैं। खेतों में गेहूं, जौ, चना, मटर, तिलहन, अरहर की पकी हुई फसल खड़ी देखकर किसान अपनी सफलता पर खुशी में झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या बात समझ में नहीं आई? इस त्योहार का नाम होली ही क्यों? इसके पीछे एक कथा है। कथा? हाँ, अन्य कई त्योहारों की तरह होली के त्योहार से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है, राजा हिरण्यकश्यपु की कथा। हिरण्यकश्यपु नाम का एक बड़ा प्रतापी और अहंकारी राजा था। वो चाहता था कि सारी प्रजा उसे ईश्वर माने और उसकी पूजा करे। महाराज हिरण्यकश्यपु की जय। महाराज हिरण्यकश्यपु की जय। सुनो सुनो सुनो, छोटे और बड़े सभी ध्यान से सुनो। सभी लोगों को अंतिम चेतावनी दी जाती है कि आज से महाराज हिरण्यकश्यपु के अलावा किसी और की पूजा करना अपराध माना जाएगा। महाराज हिरण्यकश्यपु के अलावा किसी और की पूजा करने वाले को मौत की सजा दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो, छोटे और बड़े सभी ध्यान से सुनो। हमने तो पहले समझ गया था, ये मना
लेकिन भाई अब क्या होगा? अब तो सारी प्रजा को हिरण्यकशिपु की ही पूजा करनी पड़ेगी। हाँ, उसी को ही ईश्वर मानना होगा। महाराज, हिरण्यकशिपु का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सुना है महाराज का अपना बेटा प्रहलाद ही उनका विरोध कर रहा है। ठीक सुना है भाई, वो अपने पिता को ईश्वर मानने से इनकार करता है और इसलिए उनकी पूजा नहीं करना चाहता। उसके चाहने ना चाहने से क्या होगा, आखिर है तो बच्चा ही। मगर सुना है कि पिता की पूजा ना करने पर उस पर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। अब क्या होगा? क्या होगा? वाकई भगवान उसकी रक्षा करे। और अत्याचारी राजा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को जिंदा आग में जलाने का फैसला कर लिया। उफ, कितना निर्दयी राजा था। लेकिन प्रजा ने क्या इस बात का विरोध नहीं किया? प्रजा ने उसे बहुत समझाया, परंतु हिरण्यकशिपु अपने फैसले पर अटल रहा। और फिर एक दिन प्रहलाद को जिंदा जलाने के लिए चिता तैयार करवाई गई। प्रहलाद की एक बुआ थी होलिका, उसे वरदान प्राप्त था कि वो आग से कभी नहीं जलेगी। महाराज हिरण्यकशिपु ने फैसला किया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठेगी। इससे होलिका तो जलेगी नहीं, मगर प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। तो क्या होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई? क्या प्रहलाद भस्म हो गया? अरे सुनो तो सही, फिर जानते हो क्या हुआ? आश्चर्य, वो देखो। अरे अरे, ये क्या भक्त प्रहलाद जल्दी चिता में से मुस्कुराता हुआ बाहर आ रहा है। हाँ भैया, और वो देखो, होलिका खुद जल रही है। निर्दयी होलिका ने प्रहलाद को जलाने का जो दुष्कर्म किया उसका तो ऐसा फल मिलना ही चाहिए था। और क्या, यही तो उसका दंड है। इसे तो अन्याय पर न्याय की विजय समझो, विजय। ये तो अच्छा हुआ कि भक्त प्रहलाद बच गया और दुष्ट होलिका जल गई। यही तो है, विजय तो सत्य की ही होती है। भक्त प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद की जय। और प्रहलाद की इसी विजय के उपलक्ष में हर वर्ष पूर्णिमा के दिन होलिका के पुतले को जलाया जाता है। हाँ, असत्य और अन्याय पर सत्य और न्याय की इस विजय के उपलक्ष में ही होली जलाई जाती है और उसके दूसरे दिन लोग रंग डालकर खुशियां मनाते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, भेदभाव भुलाकर और मिलजुल कर त्योहार मनाना ही तो होली की खास बात है। होली है। लेकिन भाई, ब्रिज की होली का तो कहना ही क्या, वहाँ इसे विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा? हाँ। लेकिन ऐसा क्यों? अरे ये तो सभी जानते हैं कि ब्रिज कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। हाँ हाँ। और उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। अच्छा, लेकिन क्यों? कहते हैं पूतना नाम की एक राक्षसी थी, वो भोली भाली जनता को खूब सताया करती। लोग उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे। तब कृष्ण भगवान ने लोगों की रक्षा करने के लिए पूतना नाम की उस राक्षसी को मार डाला। इससे तो लोग बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, खुश तो बहुत हुए। और मजे की बात तो ये है कि कृष्ण भगवान ने पूतना नामक राक्षसी को भी पूर्णिमा के ही दिन मारा था, इसीलिए ब्रिज में पूतना राक्षसी के वध की खुशी में और भी धूमधाम से होली मनाई जाती है। और होली के अवसर पर गाए जाने वाले ब्रज के गीत तो देश भर में बड़े चाव से सुने और गाए जाते हैं। आज मेरे जी में होली बारे रसिया, होली रसिया।
होली। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, सोमनाथ नागर, दिनेश वर्मा, सतीश महाजन, गीता वर्मा और रईस सिद्दीकी। विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता। ध्वन्यांकन उपेंद्रनाथ और भूषण गजभिये। प्रस्तुतकर्ता वंदना निगम। परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।